बाप और बेटे और रोहकदस के नाम में आमीन हमारे लिए आज की अंजील मुकदस मुकदस लुका की इंजील उसका पहला बाप उसकी पाँचवीं आयत से लेकर पच्चीसवीं आय तक शाह यहूदिया हेरोडिस के अयाम में इबिया के फरीक में से ज़िक्रिया नामी एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की बेटियों में से थी और उसका नाम अलिसबाद था और वो दोनों खुदा के नज़दीक रास थे और खुदा के सब अहकाम और कवानी पर बेऐब चलते थे और उनकी कोई बच्चा ना था क्योंकि अलिसबाद बांझ थी और दोनों उम्र सीधा थे और ऐसा हुआ कि जब वो खुदा के हजूर में अपने फ़रीक की बारी पर फ़्राइज़ कहानत अदा करता था तो कहानत के दस्तूर पर उसका कुर्रा निकला कि खुदावंद की हैकल में जाकर लुबान चढ़ाए जलाए और लोगों की सारी जमायत लुबान जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी तब उसे खुदावंद का एक फ़रिश्ता लुबान की कुर्बान गा के दाहिने तरफ खड़ा हुआ दिखाई दिया और जिक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई मगर फरिश्ते ने उससे कहा है ना डर क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी अलिसबात के तेरे लिए बेटा होगा तो उसका नाम योहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुरमी होगी और बतेरे उसकी पैदाइश के सबब से शादमान होंगे क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बड़ा होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और नशा पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूह कुदस से भर जाएगा और बनी इसराइल में से अक्सरों को खुदावंद उसके खुदा की तरफ रजू कराएगा और उसके आगे आगे लिहास किसी रूह और क़ुत में चलेगा कि वालों के दिल औलाद की तरफ सरकशों को रास्ते बाज़ों की दानाई की तरफ माइल और खुदावंद के लिए एक मुस्त कौम तैयार करे और ज़िक्रिया ने फरिश्ते कहा मैं इसे क्यों कर जानूँ मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी की भी बड़ी उम्र है फरिश्ते तो ने जवाब में उससे कहा मैं जब्राइल हूं जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूं और मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुझसे कलाम करूं और इन बातों की खुशखबरी तुझे दूँ। और देख जिस वक्त तक के ये बातें वाकिया ना हों तू गंगा होगा और बोल ना सकेगा इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया और लोग जिक्रिया की राह देखते थे और हैकल में उसके देर के देर करने से ताजुब करते थे जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका और वो समझ गए कि उसने हैकल में कोई रुया देखी है और उनसे इशारा तो करता था पर गूंगा ही रहा और जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर में चला गया और इन दिनों के बाद उसकी बीवी अलीसबात हामला हुई और वो पांच महीने तक यूँ कहकर छुपती रही कि यूँ खुदावन ने मेरे लिए किया है जब इन दिनों में आदमियों के सामने मेरी रसवाई दूर करने के लिए नजर की पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदांद की बरक़त हो खुदा का शुक्र हो में मेरे अजीज भाइयों और बहनों आमद के इन अयाम में हम जब्राइल फिश्ते के दो पैगाम को सुनते हैं पहले पैगाम में वो यूहन्ना इस्तबागी यु के पेशरो की आमद का पैगाम देता है और फिर खुदाउन यस्सु मसीह की आमद का पैगाम देता है पहले पैगाम में जब्राइल फ्फ्ता ज़क्रिया काहिन को उसके बेटे की पैदाश का पैगाम देता है जिसका नाम वो यूहन्ना रखेगा जो उसकी भांज और उम्र रसीदा बीवी से होगा दूसरे पैगाम में जब्राइल फ्रिश्ता कमवारी मरियम के पास जाता है जो हजरत यूसुफ के साथ ब्याही जाने को थी या हजरत यूसुफ के साथ रिश्ता अस्तवाज में मुंसलिक होने को थी कि वो यस्सु की माँ बनेगी और वो उसकी रज़ामंदी दरियाफ्त करता है आज की अंजील में हम फरिश्ते के पहले पैगाम के मतलब सुनते हैं कि वो किस तरह जकरिया काहिन के पास पैगाम लेकर जाता है जकरिया काहिन हैकल में कुर्बान कुर्बान ग में लुबान चढ़ा रहा है यानी फ़्राइ से कहानत अदा कर रहा था यरूशलेम की हैकल में खमत सारंजाम देने वाले 1800 सौ में से एक था यह 1800 सौ 24 चौबीस ग्रुप्स में तकसीम थे यानी हर एक ग्रुप में पचहत्तर काहिन थे हर रोज़ एक ग्रुप में से तीस काहिन अबादत का या हैकल में खिदमत सर अंजाम देते थे और इनमें से सिर्फ़ एक काहिन साल में एक बार मौका पाता था कि वो हैकल के कदसुल कदास में लोबान चढ़ाए और यही फ़राज़ कहानत ज़क्रिया काहिन अदा कर रहा था जब रिश्ता उसके पे पास पैगाम लेकर आता है कि उसकी दुआ सुनी गई है कि उसकी बीवी अली से उसके लिए बेटा होगा जिसका नाम युहन्ना रखना है फिर फरिश्ता उस बच्चे के बारे में ज़क़्रिया से तफसीलन बात करता है कि वो उसके लिए खुशी और खुरमी का भाईश होगा उसकी पैदाइश से बतेरे बत शाद मान होंगे वो हरगिज़ ना मैं ना कोई और नशा पिएगा वो अपनी माँ के बतन ही से रहुल कुछ से भर जाएगा वो अक्सरों को खुदा, खुदा की तरफ रजू कराएगा ज़खरिया ये बातें सुनकर अपने बेटे की पैदाइश के मुताल सुनकर हैरान होता है और वो यकीन नहीं करता वो फरिश्ते को कहता है कि मैं उसे क्यों कर जानूँ मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी भी उम्र रसीदा है फरिश्ता उसे बताता है कि वो खुदामंद का फरिश्ता जब्राइल है वो इसलिए भेजा गया है कि वो उससे कलाम करे और उसे खुशखबरी दे और वो उसे यह भी कहता है क्योंकि उसने यकीन नहीं किया वो उसे कहता है जब तक ये बातें पूरी ना हों यानी योहन्ना की पैदाइश ना हो जाए तो उसका नाम योहन्ना ना रख ले तो गूंगा रहेगा आमद के अयाम में आज की तलावत हमें क्या सिखाती है हम जक्रिया से सीखें कि हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए हमें मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए हमें मुश्किलात में परेशानियों में दुआ करना नहीं छोड़ना चाहिए यकीनन जकरिया काहिन दुआ करता था वो खुदा पर भरोसा रखता था लेकिन वो ईमान में मज़बूत नहीं था वो ईमान में कमज़ोर था हमारा ईमान मुकदसा मरियम की तरह कामल होना चाहिए लेकिन जक्रिया काहिन ईमान की कमज़ोरी के सबब बहुत दुख उठाता है लेकिन वो ईमान में तजदीद भी पाता है वो ईमान में मजबूत भी होता है और इसी ईमान में जब उसका बेटा पैदा होता है तो वो उसका नाम उस पैगाम को मद्देनजर रखते हुए ईमान में मजबूत होते हुए उसका नाम युहना रखता है जो यस्सु का पेशरो बनता है हम युहन्ना की आमद की बात कर रहे हैं जो यसु की आमद का जिक्र करता है मसीह में मेरे असीस भाइयों और बहनों हमें खुदा की प्रस्तश करनी चाहिए हमें जान से खुदा की इबादत करनी चाहिए अपने लोगों के लिए अपने ख़ानदानों के लिए और माँ बाप को अपने बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर यस्ु की पैदाइश के लिए तैयारी करना चाहिए की तरह ईमान में तजदीद पाने की ज़रूरत है और यूहन्ना की तरह जक्रिया के बेटे की तरह यस्ु की आमद की तैयारी करनी चाहिए उसका प्रचार करना चाहिए खुदा यसु मसीह की तमजीद हो हमेशा से हमेशा तक आमिन